हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदिनी किचन। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स पनीर का पराठा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही यम्मी और टेस्टी होता है। ये देखिए, मैंने इसे कट करके भी रखा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं देखने में कितना बढ़िया टेस्टी और यम्मी लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है ये, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे घर में जो आसानी से चीज़ें मिल जाए उसे डालकर इसमें बनाया है और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है। ये पनीर भी मैंने घर में बनाया है। घर में पनीर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल 100% प्योर घर में आप शुद्ध बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से पनीर बनाइए और उससे सब्जी पराठे बनाकर रेडी करिए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। और घर में पनीर बनाना बहुत आसान है, ना ही मैंने उसमें नींबू का यूज़ किया है, ना ही किसी केमिकल का यूज़ किया, सिर्फ एक खास चीज़ मिलाई है और जिससे 5 मिनट में पनीर बनके रेडी हो जाता है। आज उसी पनीर से मैं बना रही हूँ पनीर पराठा, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमें लेना है आटा, और ये मैंने 4 कप आटा लिया, लेकिन आपको मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में नॉर्मली पराठा या रोटी बनाने के लिए जितने आटे का इस्तेमाल करते हो उतना आप ले लीजिए, जितनी आपकी पनीर की क्वांटिटी हो, जितना आपको पराठे बनाने हो उसी अनुसार आप आटा लेके गूंथ लीजिए। अभी आटे में हम डाल रहे हैं नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, करीब आधे से एक छोटा चम्मच डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इसकी स्टफिंग में भी हम नमक यूज़ करेंगे, इसलिए थोड़ा सा नमक हम आटे के टेस्ट के लिए डालते हैं कि आटे में भी नमकीन टेस्ट आ जाए हल्का, इसलिए थोड़ा सा नमक। और थोड़ा सा मैंने लिया यहाँ पे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी आप पूड़ी और पराठे बनाएं इस तरीके से, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन इस तरीके से रगड़ के अगर डाल देते हैं तो पूड़ी और पराठे बहुत अच्छे टेस्टी बनेंगे। इससे टेस्ट भी इन्हेंस होता है और डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे एक बार हल्का सा, और अच्छे से मिक्स करने के बाद नॉर्मल आप पानी लीजिए और थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते हुए इसे गूंथ कर बढ़िया इसका एक डो लगा लीजिए। नॉर्मल जैसे आप रोटी और पराठे के लिए आटा गूंथते हो उसी तरीके से गूंथ लीजिए। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने आटा गूंथ कर रेडी कर लिया, ना ही इसे बहुत ज़्यादा हार्ड गूंथा है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। नॉर्मल आप रोटी पराठे के लिए जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से रेडी कर लीजिए, और फिर इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। जब तक आटा फूल के रेडी होगा हम तैयार कर लेते हैं अपना स्टफिंग पनीर का। यहाँ पर मैंने लिया है पनीर। पनीर पराठा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पनीर, मैंने आधा किलो पनीर लिया है। ये पनीर फ्रेंड्स मैंने घर पे दूध से बनाया है, दूध से फाड़ा है। दूध से पनीर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही परफेक्ट बढ़िया, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इसका कलर, टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया पनीर हमारी बन के रेडी होती है। सिर्फ एक सीक्रेट चीज़, ना ही कोई केमिकल, ना ही नींबू, फटाफट ये पनीर रेडी हो जाएगा घर में बिल्कुल। सबसे पहले हमें लेना है कद्दूकस, इस तरीके का छोटा वाला, आप कोई भी कद्दूकस कर लीजिए और इस पनीर को उस पर ग्रेट कर लीजिए, या तो फिर आप इसको हाथों से मसल के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, बहुत सॉफ्ट होती है, हाथों से भी मल सकते हैं और कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो मैं इसे कद्दूकस नहीं कर रही हूँ, हाथों से बिल्कुल इसको क्रश कर दूंगी, इसके बारीक दाने हो जाएंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने पनीर को हाथों से बहुत अच्छे से क्रश कर दिया है, बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए बहुत आसानी से ये मैश हो जाता है। तो हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मैंने एक छोटा चम्मच लिया है, आधा से भी छोटा चम्मच कम मैं गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा रेड चिली। इन सभी चीज़ों की मात्रा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और सभी चीज़ों को इसमें ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा, मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली थी इसलिए रेड चिली की मात्रा कम कर रही हूँ, आप अपने अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं या हटा सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी आटा बिल्कुल फूल कर रेडी हो चुका है, हल्का सा आप उसे बस इस तरीके से गूंथ के आपस में मिक्स कर लीजिए, और इसे रखिए साइड में। यहाँ पर स्टफिंग भी रेडी है, अब फटाफट बनाएंगे हम।
अभी मैंने यहाँ पर एक लोई बनाकर रेडी कर लिया है और इसमें अब हम लगाएंगे सूखा आटा और उसे कुछ इस तरीके से फैलाते हुए आप गोल कर लीजिए और पनीर की स्टफिंग को भर लीजिए। आप अपने अनुसार थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा भरकर बना सकते हैं इसे और फिर ऊपर से इसको इस तरीके से बंद करके इसकी हम बड़ी सी पराठे या रोटी के साइज में आप मोटा पतला बड़ा या छोटा अपने अनुसार बेल लीजिए इसको। आप हल्का सा सूखा आटा डस्ट करते हुए इसे बेल सकते हैं अपने अनुसार। ये लीजिए बिल्कुल पराठा हमारा रेडी है। गैस पर मैंने तवा रख दिया था और वो पहले से ही अच्छे से हीट हो चुका है। अब हम इस पर रखेंगे पराठा। जब हल्का सा दूसरी साइड पक जाए तब हम इस पर डालेंगे ऑयल। आप चाहे देसी घी में बना लीजिए या बटर से सेक लीजिए। मैंने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल लिया है और उसी से सेक रही हूँ। दोनों तरफ से अच्छे से घी लगाकर आप इसको सेक लीजिए ताकि इस पर बढ़िया सा कलर आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया पराठा हमारा फूलना शुरू हो गया और इसमें बढ़िया सा कलर आ गया। आप हल्का सा किनारे किनारे से प्रेस कर दीजिए तो ये बहुत अच्छे से फूल जाता है और जब तक पूड़ी पराठे या रोटियां फूलती नहीं है वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट नहीं बनती। तो अगर इस तरीके से फूल जाए तो समझिए कि बहुत ही बढ़िया हमारा पराठा रेडी हो गया है और कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया और कितनी बढ़िया फूली फूली पूड़ियाँ हमारी बिल्कुल बन के रेडी हुई हैं आप देख सकते हैं। पराठा हमारा दोनों तरफ से सिककर बढ़िया से रेडी हो गया। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और बाकी सारे पराठे को भी इसी तरीके से सेक लेंगे। और मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा पनीर का पराठा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने इसे कट भी किया हुआ है। अभी ये बहुत गर्म है। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गर्म गर्म मैंने इसे सर्व किया है। कितना बढ़िया देखने में यम्मी और टेस्टी है। आप इसी तरीके से बनाइए घर में पनीर का पराठा और घर में भी शुद्ध तरीके से पनीर बनाइए रेडी करिए और उससे बना लीजिए पराठे या सब्जी जो आपको पसंद हो। घर में पनीर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं कि घर में हम पनीर किस तरीके से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।